शिव एक ऐसे देव है, कोई भी मनुष्य कोई भी समय पर भगवान महादेव का पूजन अर्चन दर्शन करने के लिए अधिकारी है। महादेव का दरबार एक ऐसा दरबार है, कभी भी कोई भी व्यक्ति कभी भी महादेव के पास जा सकता है। उसकी पूजा के लिए जरूर कोई मुहूर्त कोई योग बनता है, लेकिन श्रेष्ठ योग तो उनको कहा जाता है जब आप भगवान महादेव को मिलते हैं। शिव के दरबार में कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं है, शिव के दरबार में कोई जाति ज्ञाति वर्ण भेद नहीं है। महादेव के दरबार में देखो तो आप सबका स्वीकार है। हम सभी जानते हैं शिव जी के गले में सर्प है, महादेव के मस्तक पर जटा में गंगा भी है, बाल में अग्नि नेत्र है और पांस में अमृत की बारिश करता हुआ चंद्र भी है, अंग पर भस्म भी है, मृगचर्म भी है, प्रसन्न मुखमुद्रा है, त्रिनेत्र है, वहां मयूर भी है, वहां मूषक भी है, और वहां सिंह भी है, वहां नंदी भी है, वहां कूर्म भी विराजमान है, वहां सभी विश्व के देवता भी उपस्थित हैं, सभी देवताओं के गण भी उपस्थित हैं और सभी देवियां भी वहां उपस्थित हैं, सभी देवियों के सेवा करने वाली देव्यांगना भी वहां उपस्थित हैं, इंद्र भी उपस्थित, इंद्राणी भी उपस्थित, ब्रह्मा भी उपस्थित, ब्रह्माणी भी, विष्णु भी, लक्ष्मी भी, जहां कौन नहीं है। शिव के दरबार में सब निरंतर उपस्थित रहते, कुबेर जिनके सेवा में निरंतर रहता है, सूर्य निरंतर वहां प्रकाशित रहता है, वो शिव है, वो महादेव है। जहां भूत है जहां प्रेत है वहां डाकिनी जहां शाकिनी है। भगवान शिव जी ने किसी का तिरस्कार नहीं किया, सबका स्वीकार किया है। ये महादेव की एक श्रेष्ठ महिमा है। इसीलिए शिव के पास से हम क्या सीखें, शिव के पास के कुछ सीखने की बात है तो सबका स्वीकार करते हैं शिव, जैसा है वैसा स्वीकार करने के लिए भगवान शिव है। भूत प्रेत तो कैसे होते हैं, उसके रहन सहन क्या होती है, उसके खाने पीने क्या होती है पता ही नहीं, तो भी भगवान शिव के दरबार में उनका भी स्वीकार है।